नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे। मैं हूं आपके साथ हिना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद से एक खबर आ रही है, मस्जिद गेट विवाद मामले में हिरासत में ले लिया है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को। गाजियाबाद पुलिस ने हिरासत में चंद्रशेखर को लिया है। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात की गई है। इंदिरापुरम थाने इलाके का ये पूरा मामला है। मस्जिद के गेट को लेकर ये जो मामला है ये पूरा उभर कर सामने आया है। लोग हंगामा कर रहे हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को हिरासत में लिया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। भीम आर्मी कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं मस्जिद गेट को लेकर। जावेद चौधरी हमारे सहयोगी गाजियाबाद से फोन लाइन पर हैं। जावेद, पूरा मामला आपके जरिए समझना चाहेंगे, किस बात को लेकर हंगामा हो रहा है? यही ना, जैसे कि मैं बता दूं कि गाजियाबाद के मकतपुर क्षेत्र में एक मस्जिद है। मस्जिद को लेकर उसका जो मामला था वो कोर्ट में विचाराधीन था। इसी मामले को लेकर वहां पर कुछ गेट लगा हुआ था। गेट लगने के दौरान वहां पर भाजपा के पार्षद पति थे, उन्होंने उसका विरोध भी किया था। जीडी के कुछ कर्मचारी और नगर निगम के कुछ कर्मचारी मौके पर पहुंचे थे और गेट को तोड़ दिया गया था। इसी मामले को लेकर दोनों पक्ष में विवाद हो गया था और भारी तादाद में पुलिस पहुंची थी। किसी तरीके से पुलिस ने मामले को सुलझा बुझाकर उस मामले को शांत कराया था। आज जैसे ही सुबह भीम आर्मी के रावण को उस मामले पर चला तो उन्होंने भी मस्जिद में पहुंचने के चलते वहां पर जैसे ही उनकी एंट्री होती है मकनपुर के पास में, जैसे कनावनी पहुंचते हैं तो भारी पुलिस बल ने उनको हिरासत में ले लिया। इस हिरासत में लेने के बाद में भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है उन लोगों ने जबरदस्त पुलिस से नोकझोंक हुई है। अभी भीम आर्मी के रावण है चंद्रशेखर, उनको हिरासत में लिया गया है। अभी मामले को सुलझाने बुझाने के प्रयास में पुलिस जुटी है। जावेद, क्योंकि भीम आर्मी चीफ की हम बात कर रहे हैं, उनको भी हिरासत में लिया जा चुका है और जहां हंगामा हो रहा था वहां पुलिस भी तैनात है। इस वक्त तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, इस वक्त की क्या स्थिति है? क्या इस पूरे मामले पर काबू पाया जा चुका है या अभी भी हंगामा हो रहा है? जी ना, जैसे कि अभी यहाँ पे हंगामा लगातार जारी है। मानना है, लोगों का मानना है कि भीम आर्मी जो चीफ है उनको हिरासत में लिया गया है। ये बिल्कुल गलत लिया गया है, क्योंकि वो तो लोगों से मिलने के लिए जा रहे थे, कुछ इस तरीके से बधाई वाला माहौल खराब करने के लिए नहीं जा रहे थे। इसी मामले में भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ में चीफ को चंद्रशेखर रावण को हिरासत में लिया गया। अभी पूरे तरीके से मामला जिले प्रशासन की वहाँ मौके पर है और पूरे मामले को समझाने बुझाने में जुटी है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टुडे।